देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सरकार सतर्क है, वहीं पुलिस प्रशासन भी सख्ती से काम ले रहा है। इसी बीच एमसीडी के पूर्व मेयर जय प्रकाश ने सदर बाजार में जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने दुकानदारों और मार्केट के लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया, ताकि दिल्ली में तीसरी लहर और लॉकडाउन के संकट को टाला जा सके। देखिए, सावधानी हटिया दुर्घटना घटी, हर चीज का जो पहला हथियार है वो है अवेयरनेस। लोगों में जन जागरण चलाना, लोगों को अवेयर करना, ये हमारा काम है। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस इस सदर बाजार के अंदर एक ड्राइव चला रही है। हम लोगों को बता रहे हैं कि बाजार में आए तो मास्क पहन कर आए, बगैर मास्क के आए तो दुकानदार अपने दुकान में उसको एंट्री ना करने दे। नो मास्क नो एंट्री। और सभी लोग यहाँ पर हाथ धोते रहे। हम जगह जगह जहाँ पर पानी की व्यवस्था है वहाँ छोटे छोटे साबुन भी रखवा रहे हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो तो साबुन से हाथ धोए, क्योंकि हम मजदूर है वो उसको साबुन नहीं मिल सकता। छोटे साबुन के टिक्के भी रखवा रहे हैं और रोज़ यहाँ पे साफ सफाई का अभियान भी चल रहा है। तो टीका सबको लगवाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ धोना है, ऐसे अनेक जो विषय हैं वो लोगों तक पहुँचा रहे। और हम जो दुकानदार भाई हैं और पटरी वाले भाई हैं उनको बता रहे हैं, ओमिक्रॉन आ गया तो लॉकडाउन भी आ जाएगा, और लॉकडाउन आ गया तो जितना आप 15 दिन में कमा नहीं पाओगे, 1.5 महीना आपको घर बैठ के खाना पड़ेगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें, मास्क लगा के रहें, अवेयरनेस रखें। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसा रखता है जिसमें कोई लक्षण है तो आप प्रशासन को सूचना दें, ताकि उसका समय पर इलाज हो सके। जयप्रकाश पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैनर लेकर पूरे मार्केट में घूमते नजर आए। इस दौरान वो लोगों को मास्क पहनाकर कोविड नियमों का पालन करने की सलाह देते दिखे, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके और लॉकडाउन लगाने की नौबत न आए, क्योंकि लॉकडाउन लगने से अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।